हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज 22 जुलाई से 28 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोगों को पढ़ना है और इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतमाला और सागरमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारतमाला और सागरमाला ये अलग अलग स्कीमें, अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं। बेसिकली ये स्कीम लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लाई गई हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवेज़ को अपग्रेड किया जा रहा है, स्टेट रोड्स को अपग्रेड किया जा रहा है, रूरल रोड्स, रेलवेज, ओवरब्रिज, बाईपास, यानी हाईवेज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसको बूस्ट करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ सागरमाला प्रोजेक्ट में मेगा पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर वाटरवेज़ का निर्माण किया जा रहा है, वाटरवेज़ को कोस्ट लाइन तक कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुनियादी ढांचे का निर्माण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ आया। चलिए 76 देखिए, स्टूडेंट रेडी स्कीम और आर्या प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी सभी की कि वो शिक्षा पे आंसर लगाए, लेकिन यहाँ पे ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। इस योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको व्यावसायिक अनुभव देने की यहाँ पे बात की जा रही है। छात्रों को कृषि क्षेत्र में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा इन स्कीम के तहत। ठीक है, तो स्टूडेंट रेडी जो स्कीम है उसके तहत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र हैं उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है, और आर्या प्रोजेक्ट में ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 77 है, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था ये मिशन। ये एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीसीएस के लिए। इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे कराना है, घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। ये काम कब तक हो जाना चाहिए, 2024 तक ये टारगेट रखे हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की वाटर सप्लाई की जाएगी। ठीक है, और जो कोस्टल एरिया है कोस्टल एरिया में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे, और इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की सहायता से सॉल्टी वाटर को नॉन सॉल्टी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा है 2025 तक, तो ये गलत है क्योंकि टारगेट 2024 तक का है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही बताना था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने AI4AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है, किस संस्था का ये प्रोग्राम है? अब इसके फुल फॉर्म से पता चल गया कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृषि इनोवेशन की बात हो रही है, कृषि नवाचार की बात हो रही है, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की बात हो रही है। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए 79 में गोल्डन क्रिसेंट के बारे में पूछा है, इसके बारे में तो जानते होंगे, एशिया के दो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी वाले क्षेत्र हैं, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये जो दो मादक पदार्थों की तस्करी वाले क्षेत्र हैं उनमें से एक का नाम तो गोल्डन क्रिसेंट है और दूसरा क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल, तो ये दो क्षेत्र आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी कंट्री लाई करती हैं और इस क्षेत्र में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, ये हम लोग को जानना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों देश मिलकर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जबकि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट के बारे में पूछा था तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। बाकी अगर गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए कभी तो ये भी याद रखना, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। आप इसको मैप पे देखना तो आपको ये शेप समझ में आ जाएगा, ट्रायंगुलर शेप है तीनों कंट्रियों का लोकेशन। चलिए नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए इन शॉर्ट करंट अफेयर्स का भी कुछ सेक्शन है। वर्तमान में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? इसको हम लोग पहले भी शायद कर चुके हैं, यूएसए चाइना को ओवरटेक किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का संचालन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। इसको बनाया किसने, इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने, NTPC द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना रामागुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से चालू हो गई है, तेलंगाना याद रखें, फ्लोटिंग है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कांवड़ यात्रा किन राज्यों में मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। भगवान भोलेनाथ के बाराती कहाँ तक जाते हैं, हरिद्वार तक जाते हैं। डेस्टिनेशन क्या है, गोमुख और गंगोत्री, क्लियर है। नेक्स्ट है,
ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस नाम से जाना जाता था, ये कौन थे? भारत में इंटरनेट के पिता, सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। 84 में कह रहा है कि 2022 के महीने में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले ध्वज अभियान का नाम क्या है? हर घर तिरंगा अभियान। वो ऑप्शन में कुछ भी बना के दे देगा ना, प्रत्येक घर तिरंगा लिख देगा, हर घर तिरंगा तो रहेगा ही, हर घर झंडा लिख देगा, उस तरह के बना के ऑप्शन दे सकता है। चलिए 85 कीजिए। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, नेशनल सप्लाई ग्रुप, 1974 में स्थापना हुई थी, और आपको इसके बारे में याद क्या रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोशिश तो जारी है लेकिन मेंबर हो नहीं पा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया में भैया इनकी संख्या कम हो, परमाणु हथियारों से ना खेले पूरी दुनिया, इस चीज़ को कंट्रोल करना इसका मेन उद्देश्य है। हम NSG के सदस्य इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम NPT के सदस्य नहीं हैं, नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी। ठीक है, पहला पढ़िए। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था, ये बिल्कुल सही है, 1974 याद रखें। दूसरा पॉइंट है, यह समूह परमाणु हथियार संबंध देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को बढ़ाना है, बढ़ाना नहीं है भैया, घटाना है, कंट्रोल करना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही बताना था, केवल एक सही हो जाएगा। इसमें कभी कभी मेंबर पूछ लेता है तो मेंबर याद रखा करें, 48 यहाँ पे मेंबर्स हैं NSG में। 86 इम्पॉर्टेंट है, 4.0 इंद्रधनुष, इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, इसके बारे में देख लीजिए। उससे पहले तो ये जानना है कि ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, नीति कमीशन का नहीं है। और इस मिशन के बारे में जो हम लोग फैक्चुअल पढ़ते रहते थे वो क्या था, ये टीकाकरण कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इवन दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। और इसके बेनिफिशरीज कौन होते हैं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नीति कमीशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, COVID-19 वायरस सहित 12 रोकथाम योग बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। COVID-19 ये ऐड नहीं है इसमें, ये शामिल नहीं है, ये तो अभी आया है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही बताना था, केवल 2 सही हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए 87 मिशन शक्ति, महिला की सुरक्षा और एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम। और ये मिशन बहुत सारी स्कीम्स को, बहुत सारी योजनाओं को अपने आप में समाहित किया हुआ है, जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब चीज़ें, ये सारी स्कीम मिशन शक्ति कवर करता है। और इसका जो ऑपरेशनल टाइम है वो 2021-22 से लेके 2025-26 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, 15वें वित्त आयोग के दौरान लॉन्च किया गया था, और तीसरा हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 88 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कई बार पूछा जा चुका है, 2019। इस एक्ट में उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन दिया गया, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन करने के लिए एक संस्था भी चाहिए, एक बॉडी भी चाहिए, और उस बॉडी का नाम क्या है, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि CCPA की उत्पत्ति इस एक्ट के द्वारा हुई है, और जब किसी संस्था की उत्पत्ति किसी अधिनियम के द्वारा होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, वो स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, हिंदी में बोलते हैं उसे सांवैधानिक बॉडी। लेकिन पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यहाँ पे संवैधानिक निकाय लिखा है, तो गलत हो गया। ये कैसी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल के लिए स्टेट कमीशन है ना, जिले लेवल के लिए जिले वाले कमीशन है, 3-tier सिस्टम होता है। तो ऑब्वियसली CCPA सेंट्रल लेवल पर वर्क कर रहा है, तो इसका ज्यूरिडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। CCPA उन मुद्दों को देखता है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का मूल 2 करोड़ से ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये भी CCPA के कवरेज में आते हैं, अंडर में आते हैं। समय समय पर CCPA ई कॉमर्स कंपनीज को भी डायरेक्शन वगैरह भेजती रहती हैं, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म CCPA के अधिकार क्षेत्र में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा भी हम लोगों ने सही देख लिया, 2 करोड़ से अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला गलत है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पे गलत ही बताना था, तो केवल एक हो जाएगा सही। चलिए 90 देखिए, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बेसिक सी बातें हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें मेंबर कितने हैं, टोटल 8 मेंबर हैं, पहले 6 थे, ये जो आपको दिख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये लेटेस्ट हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया,
तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और लास्ट में पाकिस्तान। पहला पॉइंट पढ़िए, वाराणसी को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी 2022-2023 के रूप में चुना गया। सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट है पीसीएस के लिए, ये ज़रूर पूछा जाएगा वाराणसी के बारे में। दूसरा है तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य राज्य है, तो ये आपने देखा अभी, तुर्कमेनिस्तान तो नहीं देखा यहाँ पर, तो तुर्कमेनिस्तान गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, ये सब तो सारे संगठन में रहती हैं, कॉमन बातें रहती हैं, सद्भाव बढ़ाना, आपसी विश्वास बढ़ाना। ये क्वेश्चन बस इसलिए फॉर्मुलेट हुआ है वाराणसी के वजह से। और SCO का हर साल का प्रोविज़न है, किसी न किसी ज़िले को ये पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित करते हैं। जितने भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनमें से कोई ना कोई ज़िला पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो तीसरा सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत हो गया था, तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 91 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या पढ़ते हैं हम लोग, PM साहब। चेयर कौन करता है इसको, पूरा कंट्रोल किसका है, प्रधानमंत्री जी का। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2005 में इस संस्था का गठन किया गया था। पहला पढ़ लीजिए, NDMA भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है, टॉप बॉडी है, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियां निर्धारित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है NDMA की स्थापना 2005 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी, ये भी सही है। कार्यकारी आदेश का मतलब होता है मंत्रिपरिषद के प्रपोजल पर इस संस्था का गठन हुआ था, और ऐसी बॉडी जो मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के द्वारा बनती हैं उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हिंदी में बोलते हैं, संविधान नेतर संस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सही है, 2005 याद रखें, और इसको चेयर कौन करता है, PM साहब करते हैं, ना कि होम मिनिस्टर, तो ये गलत हो गया, सही बताना था, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे चलें, आइए, Under-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता, दीपक पुनिया साहब। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दीपक पुनिया साहब किस क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए, ये रेसलर हैं, पहलवान हैं। ये चैंपियनशिप किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई, बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की। ठीक है, इनकी फील्ड याद रखना। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगर ये मूर्ति के बारे में नहीं पूछा जाएगा, प्रतिमा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो इन्हीं के बारे में पूछ लिया जाएगा सिंपली कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो पता होना चाहिए एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा बरुआ डिस्ट्रक्टर, इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं जब हम लोग वहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली न्यूज़ पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ है बरुआ डिस्ट्रक्टर का, अटैक किसको करता है, बीज को, मधुमक्खियों को, ये मधुमक्खी कॉलोनी में प्रजनन करता है, तब इस पैरासाइट से मधुमक्खी कैसे बच पाएंगी, सब मर जाएंगी, इसके बारे में जाने रहिए, परजीवी है, पैरासाइट है, और ये स्वीट रेवोल्यूशन के लिए, मीठी क्रांति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, खतरा है। नेक्स्ट कीजिए, टाइम मैगजीन द्वारा भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया, केरल को, टाइम ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलें, आइए, 97 भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट IIIR, सभी राज्यों में सभी यूटीज़ में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना है, हेल्दी कंपटीशन की भावना डेवलप करना है, मेन उद्देश्य इसका यही रहता है, क्योंकि जो राज्य इस सूचकांक में टॉप परफॉर्मर होगा बाकी राज्य इसको फॉलो करेंगे, तो एक हेल्दी कंपटीशन की भावना पैदा होगी, एक हेल्दी कंपटीशन का इकोसिस्टम डेवलप होगा, और इस रिपोर्ट को जारी करती है नीति कमीशन। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है, इंडेक्स नहीं है, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक, कर्नाटक इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, इस तरह से वल्लनर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में अग्रणी राज्य है, तो ये दो फैक्ट आप लोग याद रखें, ये दोनों सही हैं। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएंगे, और जारी कौन कर रहा है, नीति कमीशन कर रहा है, आइए। 98 है वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, प्रश्न तो ये आएगा कि समाधान सिद्धांत ये क्या है, किससे संबंधित है, किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक थ्योरी डेवलप की गई है, एक सॉल्यूशन डेवलप किया गया है, समाधान। समाधान में पहले बस एक का मतलब जान लीजिए, एग्रेसिव पॉलिसी,
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अनुनय बनाए से काम चलने वाला नहीं है, एक एग्रेसिव पॉलिसी लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, गलती से हमने रक्षा मंत्रालय बोल दिया, ये होम मिनिस्ट्री का है, ठीक है, गृह मंत्रालय का ये प्रिंसिपल, ये सॉल्यूशन होम मिनिस्ट्री का है। पहला स्टेटमेंट है, वामपंथी उग्रवाद का मूल उद्देश्य हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना था, सही है, इनकी स्ट्रेटजी जो रहती है वो वायलेंट मोड वाली रहती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, रक्षा मंत्रालय की वजह से, ठीक है, बाकी सही है। तो यहाँ पे सही बताना था, ये गलत है ना, दूसरा, पहला सही है केवल, तो केवल एक हो जाएगा। आगे चलें, 99 विंडफॉल टैक्स, सुपर इम्पोर्टेंट। जब कंपनी को अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, बड़ा मुनाफा हो जाता है, तब इस टैक्स को लगाया जाता है, ये हाई रेट टैक्स है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, इस टैक्स को हटा दिया। पहला भाग पढ़िए, यह एक ऐसा टैक्स है जो कंपनी ऊपर तब लगाया जाता है जब उनका मुनाफा औसत से कम हो। कम वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉफिट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब लगाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है। दूसरा है, वैश्विक मंदी की आशंकाओं का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स हटा दिया गया, ये सही है, ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में था। दूसरा सही है, तो यहाँ पे केवल बी हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 100वां देखिए, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता है। अच्छा शब्द है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। पार्लियामेंट को सुरक्षा CRPF दे रही है, स्पेशल ड्यूटी में CRPF है, प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा CRPF कर रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा CRPF कर रही है, तो बिल्कुल इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोला जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साहब लोग, तो ये 28 जुलाई तक का करंट अफेयर्स हो गया, मिलते हैं फिर अगले सप्ताह इसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।